गांव चक्रधरवाला में एक सप्ताह पहले घर में घुसकर मारपीट करना और जाति सूचक गालियां देने वाले आरोपी को गिरफ्तार की मांग। शुक्रवार को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जन समाज के प्रदेश प्रधान गोपी राम सदर ने बलुआना डीएसपी से मुलाकात की। इस मौके पर गांव के मुख्य वासी पीड़ित परिवार भी सदस्य भी मौजूद रहा। डीएसपी ने कहा है कि बच्चियों पर घर में घुसकर अनिन हलकते करने वाले आरोपियों को मारपीट करने वाले को घरेलू सामान का तोड़फोड़ की है, जिसने उसके मामले में हवालात पुलिस ने पर्चा दर्ज किया है। चार दिन बीतने के बावजूद भी आरोपी को गिरफ्तार उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यदि पुलिस इस मामले को आवश्यक कार्रवाई नहीं करेगी तो संगठन संघर्ष करने के मजदूर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट। अबोहर से गरीब परिवार के नाल अश्लील हरकतां कीतियां जा रही सी ते उन्हें रोकण ते जदों गोरा सिंह ने उन्होंने रोकण की कोशिश की तो उन्होंने बदमाशी तरीके उन्होंने घर के अंदर वड़ के भांडे तोड़फोड़ की और गालां कढ़ियां, जिंदे संबंध में जिहड़ा 452 का परचा एससी एक्ट वगैरह ला के परचा दर्ज किया। पर 5 दिन बीतने तो बावजूद अजे तक पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस संबंध में मैं एसपी साहब नाल फोन पर गल की सी। एसपी साहब अज किसी काम करन बिजी सी, फिर असीं डीएसपी साहब नूं मिले तो डीएसपी साहब ने विश्वास दवाया भी असीं अज शाम तक बंदे फड़ लांगे। वैसे मैं 48 घंटिया का इन्हों कह दिता भी 48 घंटिया के बंदे अरैसट करो, क्योंकि जिस तरह पिछले समय कुंडल की घटना है, पंजाब सरकार बच्चियां दे मामले लैके बड़ी गंभीर है। तो मैं समझना जिहड़ा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति यूजन समाज है साडा, असीं नहीं चाहते भी किसी बच्चों के मामले के नशे के मामले लैके किसी तरह की ढिल हो। इस करके अज असी डीएसपी साहब नूं मिले, उन्होंने सानू विश्वास दवाया भी असी तुरंत अज कार्रवाई करते हुए उन्होंने गिरफ़्तार करांगे। तो साढ़े सामने उन्होंने एसएचओ साहब नूं हदायत भी की है। इस संबंध में असीं मिले सी पूरा परिवार नाल, आया पिंड की पूरी पंचायत साढ़े नाल, दोषियों अंदर करने।